गुड आफ्टरनून, आज हम 21 जुलाई 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। आईटी प्रमुख ने अपने जून तिमाही के शुद्ध लाभ में 21% की गिरावट दर्ज की क्योंकि उच्च कर्मचारी संबंधित लागत ने फर्म के कुल खर्च को बढ़ा दिया। अप्रैल जून में 2,563.6 करोड़ रुपए का समेकित शुद्ध लाभ 20.6% था, जो एक साल पहले इसी अवधि में 3,242.6 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ से कम था। राज्य के स्वामित्व वाली बिजली की दिग्गज कंपनी एनटीपीसी ने अक्षय ऊर्जा में सहयोग के लिए मोरक्कन एजेंसी फॉर सस्टेनेबल एनर्जी MASEN के साथ एक समझौता किया है। इसने 19 से 20 जुलाई 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित इंडिया अफ्रीका ग्रोथ पार्टनरशिप पर 17वें की एक्सिम कॉन्क्लेव के दौरान अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए MASEN के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल गुड्स मेकर हैवल्स ने जून तिमाही के लिए समेकित शुद्ध लाभ में 3.13% की वृद्धि के साथ 243.16 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की क्योंकि कमोडिटी लागत में उतार चढ़ाव के कारण मार्जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कंपनी ने एक साल पहले अप्रैल जून तिमाही में 235.78 करोड़ रुपए का समेकित शुद्ध लाभ कमाया था। RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी और प्रोफेसर अनंत नारायण गोपाल कृष्णन नए बोर्ड के बाद यस बैंक के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक नहीं रह गए हैं। यह कदम 20 जुलाई 2022 को बैंक को RBI के निर्देश का पालन करता है। टायर निर्माता ने जून तिमाही के लिए अपने समेकित शुद्ध लाभ में 61% की गिरावट के साथ 9 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की क्योंकि कच्चे माल की उच्च कीमतों ने कारोबार को प्रभावित किया। मुंबई मुख्यालय वाली कंपनी ने पिछले साल की इसी अवधि में 23 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जून तिमाही में बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता और 4 गुना से अधिक की वृद्धि के साथ उच्च ऋण बिक्री पर शुद्ध आय में सालाना आधार पर 32% की वृद्धि के साथ 268 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की। बॉटम लाइन को सबसे बड़ा बढ़ावा एसेट क्वालिटी में बड़े पैमाने पर सुधार से आया है, जो सकल रूप से 1.96% तक गिर गया है। घरेलू दवा निर्माता कंपनी स्ट्राइड्स फार्मा ने कहा कि सिक्योरिटीज जारी करके धन जुटाने पर विचार करने के लिए उसका बोर्ड अगले सप्ताह बैठक करेगा। बेंगलुरु स्थित कंपनी ने उठाए जाने के लिए प्रस्तावित राशि का विवरण साझा नहीं किया। कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव पुरी ने कंपनी की 111वीं वार्षिक आम बैठक में कहा कि सिगरेट से होटल समूह ITC, जो घर पर अपने FMCG पोर्टफोलियो को मजबूत कर रहा है, अब इसे विदेशी बाजारों में भी आक्रामक रूप से विस्तारित करने पर विचार कर रहा है। इलेक्ट्रोड कंपनी को ONGC उरण से एक लेटर ऑफ अवार्ड LOA मिला है। आदेश में डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, संक्षेप में निर्माण और उनके ONGC के उरण संयंत्र में LST के आधार पर डिमाउंटेबल फ्लेयर स्टैक परियोजना की कमीशनिंग शामिल है। यह ऑर्डर 145 करोड़ रुपए का है और इसे 30 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए धन्यवाद।